हेलो नमस्ते और कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय और यह है मेरा पहला हिंदी ब्लॉग। सो अब तक मैं जो भी वीडियोस डाले वो सारे इंग्लिश में थे और मैंने एक पोल रखा था फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैंने पूछा था लोग से क्या था कि क्या मैं इंग्लिश में ही कंटिन्यू करूँ या फिर मैं हिंदी में अपने वीडियोज़ बनाऊँ, और काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। इंस्टाग्राम का जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी इंक्लाइन था इंग्लिश के टूवर्ड्स, और जो फेसबुक था वो 50-50 था। एनीवे, अपने फैमिली और फ्रेंड से बात करने के बाद मुझे लगा कि मे बी एक ट्राई करते हैं, एक दो महीने के लिए हिंदी में सारे वीडियोस बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा रिस्पांस आता है, आप लोग पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो आज सोनी बाय द वे मेरी वाइफ का नाम है, उसका काम है आज दोपहर में, दोपहर की शिफ्ट है, तो आज रात का डिनर आज सुबह ही बन रहा है। और सैश, व्हाट आर यू मेकिंग? और योगर्ट मिक्स कर रहा है ताकि हम लोग कड़ी चावल बना सकते। तो आज का डिनर है कड़ी चावल और मैं यहाँ पे उन लोग को हेल्प कर रहा हूँ, मॉरल सपोर्ट। ओ साश, यू मेड अ मेस, यू नीड टू क्लीन इट अप। तो साश दही फेंट रहा था और उसने यहाँ पे एक दही गिरा दी। साश, यस, गुड जॉब। सो साश का फेवरेट स्नैक्स फ्रोजन ग्रीन पीज, फ्रोजन मटर। Yes, mutter is green pea. There you go. Saish, you're going to help me cooking? So Saish ki mummy usko bol rahi hai masale dalne ko. Turmeric. A bit more will do. A bit more. Saish, haldi aur uske baad aur haldi. Not that much, a little bit. Aur ab thoda lal mirch. Aur nahi, dhaniya. Yes, dhaniya powder. A bit more. तो इवन दो साइश हेल्प कर रहा है उसको सारे मसाले डालने में और पोहा बनाने में जो हम लोग लंच में खाने वाला है, वो खुद ये सब खाना नहीं खाता है, उसके लिए काफ़ी ब्लैंड खाने बनते हैं। चाइल्ड केयर में वो जाता है तो वहाँ पे जो हैबिट है उसकी खाने की, वही उसको घर में भी खाना पसंद है। तो अगर हम लोग कोई सब्जी बनाते हैं तो एक सेपरेट सब्जी बनाते हैं जिसमें कुछ भी मसाला नहीं होता है, वो बस साइश खाता है। तो जब तक सोनी खाना बना रही है मैं सोच रहा हूँ मैं जाके जिम करके आता हूँ। बॉडी वर्कआउट्स ऑलरेडी हो गए इस हफ्ते, तो आज का प्लान है कार्डियो। कितना 3 हफ्ते हो गया मुझे जिम करते हुए, बट वेट में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि जब तक खाने पर कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला वेट का। और जैसे बात अभी दिवाली, साइश का सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, तो खाने पीने में काफ़ी ऊपर नीचे हुआ ही है। एनीवे, कोशिश चालू है। तो ये है हमारी प्यारी BMW, बट जिम के लिए मैं हमेशा बाइक लेके जाता हूँ। गैराज में यहाँ पे एक टायर रखा है ताकि जब हम लोग गाड़ी अंदर लेके आएँ पार्क करें तो जो यहाँ के सेंसर्स होते हैं फ्रंट सेंसर्स, वो टायर से टकरा जाए और हम लोग को मालूम पड़ जाए कि कब रुकना है, अदरवाइज़ गाड़ी दीवार पर ठुक सकती है। तो मेजर पोपट हो गया है, जिम तो आ गए हैं, बट जिम की जो एंट्री पास होता है, एंट्री की होती है, वो मैं घर में ही छोड़ चुका हूँ। तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे कोई आ रहा है बाहर तो उससे मे बी मैं दरवाज़ा खुलवा दूँ, अदरवाइज वापस घर में जाना पड़ेगा। तो मिशन सक्सेसफुल, अंदर तो मैं आ गया हूँ, बट अगली बार के लेसन लर्न, मे बी मैं वो जो कार्ड होता है वो अपने बैग में निकाल के रख दूँगा ताकि आज से वापस ना हो। तो अभी कार्डियो करते हैं। और आ गया हूँ मैं वापस घर और यहाँ पे क्या चल रहा है? साइश अपना लंच खा रहा है और लंच खा चुका है, फ्रूट्स खा रहा है। साइश, डिड यू मिस मी? साइश, डिड यू मिस मी? साइश, डिड यू मिस मी? Yes. और अभी लंच टाइम, देखते हैं लंच में क्या बनाया। पोहा। तो यहाँ पर तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लोग भी बड़े होते हैं, यहाँ का नींबू भी बड़ा होता है। ये नींबू यहाँ का, अगर मैं अपने फेस से कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट हाफ। पोहा ऑलरेडी नॉट टू बैड होता है, बट इसको और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा नींबू और आलू भुजिया नहीं है तो काम चलाने के लिए है। तो हमारे घर में सीक्रेट आलू भुजिया रखा हुआ है तो वो डालेंगे। तो सोनी राय ने झूठ बोला था, हम लोग के पास आलू भुजिया नहीं है तो हम लोग को काम चलाना पड़ेगा नवरत्न मिक्स से। तो थोड़ा सा ये डालेंगे, और लंच रेडी। मेरा भाई जो शेफ है, प्रॉपर शेफ जो पढ़ाई किया शेफ बने की, उससे थोड़ा सा मैं 19-20 होंगे, अदरवाइज वे मेरे सारे स्किल्स हैं। ये जो नींबू है वो नाम बड़े दर्शन छोटे वाले नींबू, इसमें इतना बड़ा बट
जूस 5 ml है ना, ऐसे ही होता है उसको लेमन बोलते हैं। हाँ तो नींबू क्या होता है, लेमन नहीं तो होता है। नहीं, जो आप ढूंढ रहे हो उसको लाइम बोलते हैं। लाइम लेमन पटेटो पटाटो। Are you going to have belly for sauce? You know. Are you going to have body for sauce? You know. Body for sauce. Hey, you know. So, आज दोपहर में सोनी का काम है और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप्स। तो जो बहुत आलसी लोग होते हैं उन लोग के लिए यहाँ पे चॉप्ड स्पिनच, ताकि स्पिनच खरीद के काटने की जरूरत ना पड़ना पड़े, और चॉप्ड अनियंस ताकि प्याज भी खरीदने के बाद काटना ना पड़े। तो कहते हैं कि ये $2 की 500 ग्राम। तो अगले साल सुनीत को मुझे क्या गिफ्ट देना है, मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे कोल्स में ऐसा फ्रेश रोटी बन रही है $3.50 की 6 रोटियाँ। तो यहाँ पे डो वो मशीन में डाल के वहाँ से मेखा से रोल होकर यहाँ पे आता है, और ये तवा है, फ्लैट तवा। ये हम लोग ने ली है 6 रोटी, कौन सी वाली, वाइट वाली, तो मैदे से बनी वाली, नहीं तो नहीं तो होलमेड भी ले सकते हैं। तो हम लोग शॉपिंग करके वापस आ गए हैं। साहिश और मेरा भी थोड़ा झगड़ा चल रहा है, बात इतना तक पहुंच गई है कि टॉयलेट करने के बाद, पॉटी करने के बाद वो नॉर्मली पहले मुझे बोलता था साफ करने के लिए, बट अभी नहीं, अभी उसको बस अपनी मम्मी चाहिए। तो देखो, देखते हैं कितने दिन तक ये झगड़ा चलता है। और मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, बट ये मैं नहीं रियलाइज किया कि मैंने अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन तो बताया नहीं है, कुछ किया नहीं है, बस अपना नाम बताया और आप लोग मेरी फैमिली को देख रहे हो। तो बहुत बहुत ब्रीफली, मेरा नाम सौरभ राय है, मैं, मेरी फैमिली जिसमें सोनी राय मेरी वाइफ, मेरा बेटा सायश, सायश राय, हम लोग पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मैं हायर एजुकेशन अपना मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आया था अराउंड 12-13 साल पहले, और अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं यहीं पर्थ में बेस्ड हूँ। मैं फ्लाई इन फ्लाई आउट काम करता हूँ, जिसको बोलते हैं FIFO। उसमें एक हफ्ता मैं जाता हूँ काम पे, माइन साइट पे काम करता हूँ, उसके बाद एक हफ्ता मैं आता हूँ और मेरा वो वीक ऑफ होता है। तो ये बेसिक समरी है, कभी डिटेल वीडियो कभी बाद में बनाएंगे। और कुछ और क्वेश्चन अगर आप लोगों को तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, और मैं ट्राई करूंगा आंसर करने की। तो एनीवे, आज संडे है, मंडे कल का दिन और है मेरे पास, उसके बाद ट्यूसडे को मैं जा रहा हूँ वापस काम पे, और उसके बाद एक हफ्ते एक भी वीडियो नहीं आएगी, और फिर अगले हफ्ते जब मैं वापस आऊंगा घर में, तो उसके बाद वापस हम लोग अपना चालू करेंगे। साहिश यहाँ पे वापस पैचअप करने के लिए, साहिश आर वी फ्रेंड्स नाउ, लिसन आर वी फ्रेंड्स नाउ। तो मैं और मेरा भाई अभी यूट्यूब स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। अभी तो काम नहीं किया, मेरे ख्याल से कुछ एक्टिवेशन का इश्यू है, तो वो सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट हम लोग ने, मैं, सुनीत और नेहा, हम तीनों ने एक रिव्यू वीडियो बनाया और अभी अपलोड किया, काफी मजा आया। पहली बार है जो हम लोग ये कर रहे हैं, तो क्वालिटी काफी खराब है मेरे ख्याल से, मे बी अगली बार कोई और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसमें क्वालिटी अच्छी हो। दिख भी नहीं रहा है, किसकी शक्ल नहीं दिख रही, और जो हम लोग पेज शेयर कर रहे हैं वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एनीवे, नॉट बैड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगली बार हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे, बट मजा आया, नेवर्थलेस मजा आया, प्रोसेस काफी मस्त था। साश अभी नहीं से उठ गया, साश आर वी फ्रेंड्स नाउ? सो साहिश की मम्मी अभी गई है काम पे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है वो, उसको भी आगे 5 घंटे मेरे साथ बिताने पड़ेंगे। साहिश लिसन, इफ यू बिकम फ्रेंड्स देन पापा विल टेक यू टू पार्क, डू यू बी फ्रेंड्स अगेन, ओके, हैंडशेक एंड बी बोथ ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके साहिश लिसन, कम हियर साहिश, साहिश डू यू नो व्हाट, साहिश डू यू नो व्हाट केला मींस? बनाना। यस एंड डू यू नो व्हाट केली मींस? बनानी। चलिए फिर आज का इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, बहुत पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं और साहिश रहने वाले हैं घर में, और कुछ बहुत एक्साइटिंग होने नहीं वाला है, तो आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होती है फिर अगले वीडियो में, बाय। और हाँ, जाते जाते ये जो मैंने वीडियो बनाया वो मैंने अपने मोबाइल फोन से बनाया, तो इसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी कैसी है कंपेयर टू मेरे पहले की वीडियो से, प्लीज कमेंट करके बताइए, बाय।